आज की क्लास में हम यूनिट फर्स्ट का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और उससे जो एमसीक्यू बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे और जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस भी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है हमारा जो मानव में गेस्टेशन पीरियड यानी कि गर्भावस्था होती है वो कितने दिन या कितने माह की होती है। तो यदि आपसे एग्जामिनर में पूछा जाए, एग्जामिनर आपसे पूछे कि कितने माह की होती है, तो एक 40 सप्ताह की होती है। और यदि पूछा जाए कितने दिन की होती है तो 280 दिन की होती है। यानी कि जो मानव में गर्भावस्था यानी कि गेस्टेशन पीरियड होता है वो 280 दिन या 40 सप्ताह का होता है। इसके बाद आता है हिस्टरेक्टोमी। हिस्टरेक्टोमी में क्या होता है कि जो हमारी फीमेल होती है उस फीमेल की बॉडी से शल्य चिकित्सा के द्वारा उसका जो यूटेरस होता है यानी कि जो गर्भाशय होता है वो हटा दिया जाता है। इस प्रोसेस के लिए हम हिस्टरेक्टोमी कहते हैं, जिसमें शल्य चिकित्सा द्वारा गर्भाशय हटाया जाता है। इसके बाद आता है कि जो हमारे स्तनी होते हैं, स्तनी प्राणी होते हैं यानी कि जो मानव है, ह्यूमन है, उसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ पर कंप्लीट होती है। तो जो ह्यूमन है उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस मादा के यानी कि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी नलिका में कंप्लीट होती है। स्तनियों में जो निषेचन होता है वो फैलोपियन नलिका यानी कि अंडवाहिनी नलिका में होता है। इसके बाद जो आपको बताया गया था कि रजोनी वृद्धि यानी कि मीनोरकी क्या होता है, तो रजोनी वृद्धि में क्या होता है कि जो फीमेल से रिलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यानी कि मासिक चक्र होता है वो 45 की एज में, 45 वर्ष की जब मतलब फीमेल्स हो जाती हैं तो उनमें रजोनी वृद्धि हो जाती है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ हो जाता है। और इसी के लिए हम रजोनी वृद्धि बोलते हैं जो कि 45 वर्ष की आयु में होती है। ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आता है कि जो अंडाशय के ग्रेफियन फॉलिकल हैं, जो अंडाशय यानी कि जो हमारी ओवरी होती है उसमें बहुत छोटी छोटी रचनाएँ कोशिकाएँ रहती हैं, वे कोशिकाएँ जो है वो आपस में विभाजित होकर एक गुच्छा टाइप का बना लेती हैं और उस गुच्छे के लिए हम ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि अंडाशय में जो ग्रेफियन फॉलिकल होती हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, तो जो अंडाशय की ग्रेफियन फॉलिकल होती हैं वो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज करती हैं। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्ट्रॉन या एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों हार्मोन्स रिलीज करती हैं। इसके बाद आता है कि जो एम्ब्रियोनिक फेज होती है यानी कि जो भ्रूणीय अवस्था होती है उस भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो भ्रूणीय अवस्था यानी कि एम्ब्रियोनिक फेज जो होती है उसमें आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पल सेल्स इनका जो फॉर्मेशन है वो भ्रूणीय अवस्था में कहाँ होता है, तो ये जो फॉर्मेशन है वो भ्रूणीय अवस्था में यकृत यानी कि लीवर और प्लीहा यानी कि स्प्लीन, प्लीहा और यकृत में होता है यानी कि लीवर और स्प्लीन में होता है। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो जो हमारी आरबीसी है या जो रक्त कणिकाएं हैं उनका कब्रिस्तान प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। इसके बाद आता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, इस पर शॉर्ट नोट लिखने आता है 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका निर्माण कहाँ होता है ये भी पूछा जाता है और इसका वर्ग क्या है ये भी पूछा जाता है। तो जो हमारी कॉर्पस ल्यूटियम है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है और यदि किसी भी तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को कंटिन्यू रिलीज करती रहती है, सीक्रेट करती रहती है और यदि किसी भी तरह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये कॉर्पस ल्यूटियम एक धब्बेनुमा संरचना बना लेती है और इस धब्बेनुमा संरचना जिसका ब्लड पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है उस धब्बेनुमा संरचना के लिए हम कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं। कॉर्पस
एल्बिकंस, कॉर्पस एल्बिकंस बोलते हैं। और यदि बात करें कि कॉर्पस ल्यूटियम का वर्क क्या है, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है। और यदि पूछा जाए कि इसका फॉर्मेशन यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कहाँ होता है ये, या फिर यह कहाँ पर पाई जाती है मानव की बॉडी में, तो ये ह्यूमन बॉडी में अंडाशय या ओवरी में पाई जाती है, अंडाशय या ओवरी, अंडाशय या ओवरी में पाई जाती है। और इसके बाद आता है कि जो हमारे ऋतु स्राव चक्र या जो मेनस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र होता है उससे कौन कौन से हार्मोन्स जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि उस ऋतु स्राव चक्र मेनस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से हार्मोन्स का कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसमें जो है FSH, LH और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे ऋतु स्राव चक्र जो है वो FSH, LH और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पे FSH और LH का जो फुल फॉर्म है यानी पूरा नाम है वो है FSH, जो है उसका पूरा नाम है FSH, इसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये FSH क्या करता है, फॉलिकल यानी कि जो हमारी ग्रेफियन फॉलिकल्स होती हैं, स्टिमुलेट यानी कि उनको प्रेरित करना, उनके वर्क को बढ़ाना और उनको वर्क करने के लिए प्रोसीड करना, इसका जो वर्क है वो FSH करता है, यानी कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। इसी कारण इस हार्मोन का जो नाम है वो FSH है। इसके बाद एक और हार्मोन होता है जो हमारे मेनस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ा हुआ होता है, उस हार्मोन का नाम है LH हार्मोन, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और थर्ड है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये तीनों हार्मोन जो है वो मेनस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद आता है कि जो हमारा ओवेरियन साइकिल होता है, यानी कि जो हमारा अंडाशय चक्र होता है जिसमें अंड का निर्माण होता है और उसका डेवलपमेंट होता है और अन्य जो प्रोसेस रहती है वो सभी आती है, उन सभी को मिलाकर जो साइकिल बनता है उसे हम अंडाशयी साइकिल या ओवेरियन साइकिल कहते हैं। और ये जो ओवेरियन साइकिल होता है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है या नियंत्रित। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो एक मार्क्स में आता है कि एक स्पर्मेटोसाइट से, यानी कि प्राथमिक स्पर्मेटो जो साइट होती है उस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कितने 12 स्पर्मेटोसाइट हैं, तो 12 स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो आपको पता है कि एक स्पर्म बनते हैं, यानी कि जो हमारा एक स्पर्मेटोसाइट है उससे कितने स्पर्म बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में, तो हमारे एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लें कि 12 स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो 12 × 4 = 48 स्पर्म बनते हैं। और ऐसे ही पूछा जाता है कि जो हमारा ओजेनेसिस होता है यानी कि अंडजनन होता है, उस अंडजनन में जो मैच्योर ध्रुवीय कोशिकाएं हैं वो कितनी बनती हैं, तो जो हमारी अंडजनन की प्रक्रिया होती है, अंडजनन या ओजेनेसिस, इस ओजेनेसिस की जो प्रोसेस रहती है इसमें टू पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है कि मतलब कोई बोलता है कि 3 पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है और कहीं कहीं पे लिखा रहता है 2 पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, तो एक जो पोलर बॉडी रहती है वो बहुत ही स्मॉल रहती है साइज में और वह फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में बनती है, इस कारण वो नष्ट हो जाती है। और ये जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है
वो फाइनली जो ओजेनेसिस से सेकंड मियोसिस डिवीजन होता है, यानी कि जब फाइनली हमारे एग का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस फॉर्मेशन के दौरान कितनी ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं, तो उन ध्रुवीय कोशिकाओं की संख्या 2 होती है। इसके बाद एक और टर्म आता है, अंडोत्सर्ग क्या है, अंडोत्सर्ग क्या है, इसी को हम ओव्यूलेशन भी बोलते हैं। ओव्यूलेशन क्या है, तो ओवरी से एग के जो बाहर निकलने की प्रोसेस होती है, यानी कि अंडाशय से अंड के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के लिए हम ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। और एक और क्वेश्चन आता है कि ओव्यूलेशन और ओविपोजिशन में क्या डिफरेंस है, तो ओव्यूलेशन में अंडाशय से अंड के बाहर निकलने की प्रोसेस रहती है, इस प्रोसेस के लिए हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और जब हमारा एग जो है, यानी कि जो अंड है, वो बॉडी से बाहर जाता है, यानी कि शरीर से अंड के निकलने की प्रक्रिया या शरीर से एग के जो बाहर निकलने की प्रोसेस रहती है, उस प्रोसेस के लिए हम ओविपोजिशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन और ओविपोजिशन में कंफ्यूज नहीं होना है। ओविपोजिशन मतलब जब एग हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है, और ओव्यूलेशन जब वह ओवरी से रिलीज होता है। और इसके बाद एक और टर्म आता है कि जो हमारी ओजेनेसिस है, ओजेनेसिस में कितने अंडाणु का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन इसलिए बनता है कि जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, उस स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्म यानी कि 4 मेल गैमेट जो कि आयुग्मित या हैप्लॉइड होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि अंडाणु जनन या ओजेनेसिस की प्रोसेस में कितने अंड का निर्माण होता है, तो ओजेनेसिस की जो प्रोसेस रहती है उसमें एक ही अंड का निर्माण होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि मतलब जैसे कि 400 हमारी ओसाइट्स हैं, 400 ओसाइट हैं, इन 400 ओसाइट से कितने एग बनेंगे, तो 400 ओसाइट से 400 ही एग बनेंगे। और यदि पूछा जाए कि 400 स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो 400 स्पर्मेटोसाइट से 400 × 4 यानी कि 1600 स्पर्म बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ओसाइट से एक ही एग बनता है, और यहाँ पे एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, इसलिए 400 से 1600 स्पर्म बनते हैं। और इसके बाद पूछा जाता है कि जो एक्रोसोम है, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो जो हमारा एक्रोसोम होता है वो शुक्राणु के अग्रभाग यानी कि हेड के ऊपर पाया जाता है, और इस एक्रोसोम का जो निर्माण है वो गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी काय द्वारा।